नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी को याद होगा थोड़े दिन पहले एक NSE की तरफ से सर्कुलर आया था, NSE से नहीं, SEBI की तरफ से एक सर्कुलर नहीं कंसल्टेंसी पेपर आया था, सुझाव आया था आप ये कह सकते हो, SEBI से, माफ कीजिएगा मैंने NSE बोला है, कि लगभग 7 ऐसे सुझाव थे जिससे जो ये रिटेल ट्रेडर्स की ये ट्रेडिंग है वो कम होगी, वॉल्यूम्स घटेंगे, जिसमें हमने आपसे कहा था कि ये सब फालतू के चोंचले हैं, आप सिंपल कर दो, आप वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर दो और हर दिन जो आपकी एक्सपायरी है उसे ख़त्म कर दो, एक दिन में सारी एक्सपायरी कर दो, डायरेक्टली वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए हमने अपना व्यू डिस्कस किया था, इस पर सुझाव है। देखो, इन्वेस्टर से लेकर हर व्यक्ति को एक राइट है सुझाव देने का, मैंने अपने व्यूअर्स के साथ अपना सुझाव शेयर किया था। उसके बाद हमने कहा था कि आप रियली में जो रिटेल ट्रेडर है उसे चाहते हो वो ट्रेड ना करें, तो आप ऑप्शन सेलिंग में जो मार्जिन को बढ़ा रहे हो उसे ऑप्शन बाइंग की तरफ भी बढ़ाओ, क्योंकि रिटेल ट्रेडर ऑप्शन सेलिंग कहाँ करता है, वो तो नेक्ड खरीदता है भाई, छोटा सा पैसा लेके आता है उसमें करोड़पति बनने की सोचता है और उसी से नेक्ड खरीदता है और फिर लॉस कर देता है, वो कहाँ हैचिंग वैचिंग करता है। तो ये सारी चीज़ें थी जिस पे अभी तक SEBI का तो कुछ बड़ा फैसला नहीं आया है, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने जरूर टैक्स बढ़ा दिया STT के रूप में। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ फाइनल चीज़ें, देखो जो सुझाव थे मांगे थे SEBI ने, जो कंसल्टेंसी पेपर था, कल आखिरी दिन था, अब फाइनल चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या आउटकम निकल के आ रहा है वो समझिए। आउटकम इन द मीन सुझावों में जो 7 SEBI की तरफ से अनाउंसमेंट थी उनमें से कौन सी फेवर में आ रही हैं और किसके लिए विरोध कर रहे हैं लोग, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक्सपायरी पर कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट हटाने का विरोध किया गया है। ठीक है, जो एक्सपायरी वाले दिन आप स्प्रेड बना लेते हो उसको SEBI हटाना चाहता था सो दैट लोग कम पोजीशन लें, लेकिन इसके लिए विरोध में उतर गई है पब्लिक कि नहीं भाई साहब ये नहीं होना चाहिए, ताकि रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ये हो रहा है इसलिए ये तो रहना चाहिए। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ाने के खिलाफ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आ रही होगी उसके करीब में मार्जिन बढ़ जाएगा, इसके भी खिलाफ है लोग कि नहीं ये भी नहीं चाहिए भाई, ये फालतू का है, ऐसा लोगों ने बोला है। तीसरा सुझाव जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज धीरे धीरे बढ़ाए जाने के पक्ष में स्टेक होल्डर, एक्चुअली में ये भी विरोधी है, SEBI कह रहा है कि हम पहले ही फेज में 15-20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज कर देंगे, देन 20-25 एंड देन 30 लाख तक पहुंचाएंगे, यहां ये लोग कह रहे हैं एक साथ 15-20 लाख कर दिया तो फिर वो खराब हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, इसलिए आप धीरे धीरे बढ़ाओ, यानी कि आप 2 लाख से 5 लाख, 5 से 7, 7 से 8, 10, 20, 15 ऐसे जाओ, सो लोगों को हैबिट आती जाए, एक संग बड़ा करा तो फिर वो पैसा अरेंज ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ेगी बनेगी। तो यहां भी आप कह सकते हो विरोध भी कह सकते हो, लेकिन ये इवेंचुअली वो तैयार है करने के लिए लोग। आगे चौथा है वीकली एक्सपायरी एक ही रखने के प्रस्ताव को भी सपोर्ट है, और ये मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वीकली लेकिन SEBI यहाँ गेम खेल गया है, SEBI नहीं मतलब सब लोगों के फेवर में ये चीज, उसने कहा है कि आप एक प्रोडक्ट की एक्सपायरी वीक कर सकते हो, बाकी मंथली होंगी सारी। अब NSE बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों NSE का प्रोडक्ट है, और सेंसेक्स का तो BSE का सेंसेक्स है, उसकी तो फ्राइडे चल जाएगी, लेकिन अब NSE किसको सेक्रीफाइस करेगा, बैंक निफ्टी को या निफ्टी को, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का विषय बन सकता है NSE के लिए। अदरवाइज यहां पे सब लोग सपोर्ट में हैं कि ठीक है वीकली एक्सपायरी आप हटा दो, एक प्रोडक्ट एक रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा है इंट्राडे लिमिट मॉनिटरिंग को सपोर्ट पर पर्याप्त अलर्ट मिले। देखो, जो था कि इंट्राडे आपकी मार्जिन लिमिट हिट हो रही है या फिर जो भी आपका मार्केट वाइड पोजिशन लिमिट जो भी हो रही है ओपन मार्केट में, इसके फेवर में है लोग, लेकिन कह रहे हैं कि हाई लेवल पे अलर्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं पोजीशन हो गई अचानक से पता चल रहा है कि हो गया खत्म मामला ना, अलर्ट टाइम टू टाइम आए कि भाई आपके फंड कम पड़ रहा है या फिर पोजीशन यहां पहुंच रही है, तो अलर्ट ज्यादा से ज्यादा आए ताकि लोगों को पता चले और फिर उन्हें जो करना है वो कर पाए, ऐसा नहीं अचानक से हो जाए सब, तो ये एक चीज है। एंड सिक्स्थ जो सुझाव था स्ट्राइक प्राइस को कम करने के प्रस्ताव पर भी सहमति, ये तो सिंपल है, स्ट्राइक प्राइस जो हर 50-50 पॉइंट पे है निफ्टी में उसके गैप को बढ़ा दें और कम प्राइस पे रखें तो उसको मंजूरी मिल गई है, ठीक है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शंस खरीदार से अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन को सपोर्ट, ये मस्ट है क्योंकि यही रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेडिंग से दूर करेगा,
देखो आप हो या मैं हूं या कोई छोटा व्यक्ति हो जो रिटेलर है और छोटा पैसा लेके आता है, वो कभी हैचिंग नहीं करता, वो नेक्ड खरीदता है, वो इनफैक्ट बहुत दूर की भी खरीदता है ये सोचकर इसमें मेरा पैसा कम लग रहा है। तो वहां ऑप्शन बायर से प्रीमियम ले लो, आपके डीमेट में पैसा पड़ा रहेगा तभी आप खरीद पाओगे। आपको 10,000 का माल भी लेना है ना ऑप्शंस में, तो आपके डीमेट में 5,00,000 होना चाहिए तभी आप ले पाओगे, ये होना चाहिए था और इस पे भी सपोर्ट आ गया है तो ये अच्छी बात है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यही टोटल 7 के 7 मैंने बता दिया आपको। तो इनमें से देखा जाए तो मोटा मोटी 2-3 के विरोध में है लोग, बाकी सबके पक्ष में ही है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।